बहुत समय पहले एक बार एक राजा कौआ अपनी रानी व अनुचरों के साथ वाराणसी के राजा के महल के निकट से गुजरा। जब वे महल के रसोई घर के पास से गुजरे तब कौओं की रानी ने रसोई में एक व्यंजन देखा। उसे देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। कितनी स्वादिष्ट मछली, कितना अच्छा हो कि इसका एक टुकड़ा खाने को मिल जाए। अगले दिन प्रातःकाल, चलो प्रिय कुछ अच्छा भोजन करने चलें। मुझे ऐसा भोजन नहीं करना। राजा कौए को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार रानी के मन की इच्छा को पूरी करे। तभी उसका सेनापति वहाँ आ पहुँचा। महाराज, क्या कोई समस्या है? राजा कौए ने पूरी बात सेनापति को बताई। सुनकर वह मुस्कराया। इसमें चिंता करने की क्या बात है महाराज, मैं इसे अभी करके दिखाता हूँ। सेनापति अपने चुनिंदा 8 कौओं को साथ लेकर राजमहल की ओर उड़ चले। ध्यान से सुनो, जब रसोईया भोजन लेकर निकलेगा तो मैं उस पर आक्रमण कर भोजन गिरा दूंगा। उसी क्षण तुम में से 4 अपनी अपनी चोंचों में मछली भर लोगे और बाकी 4 चावल। फिर तुम सभी रानी के पास उड़ जाना। जब रसोईया भोजन लेकर निकला तो सेनापति ने उस पर आक्रमण कर दिया। सेनापति की योजना सफल रही। उस दुष्ट कौए को पकड़ो तुरंत, राजा ने रसोईये को आदेश दिया। सेनापति कौए को पकड़कर राजा के सम्मुख लाया। मूर्ख कौए, क्या तुम हमें बताओगे कि अपने प्राण गंवाने का यह कार्य तुमने क्यों किया? श्रीमान, हमारी महारानी आपके रसोई का भोजन करना चाहती थी, अतः मैंने उनके लिए वह भोजन पहुंचाने का वचन दिया था। मुझे खुशी है कि मैं अपना वचन निभा सका। राजा उस कर्तव्य परायण कौए से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे मुक्त कर दिया। आज से हम तुम्हें व तुम्हारे राजा रानी के लिए भोजन का एक अंश भेजा करेंगे। धन्यवाद महाराज।